Now we will start next topic, that is private law. We already learned about the public law, where the different parties will be in dispute, but where the whole state of the nation to nation will be affected. But in the public law, where the rules of branch of laws defines, regulates, governs, enforce relationship between the individuals, association, corporation. इस जहाँ पे person to person की बात हो, association to association की बात हो, corporation to corporation की बात हो, वहाँ पे आपको कौन सा law apply होता है? Private law. In other words, this branch of law deals with the definition, regulates, enforcement of mutual rights and individual duties of individuals. Means duties, जैसे कि मेरा और आपका केस है. That type of case will goes in the private law. Well, individuals, इसमें आपकी society effect नहीं हो रही, state effect नहीं हो रहा, and that type of system, in that type of dispute, private law will apply. The state intervenes through its judicial organs to settle the disputes between the parties. Judicial organs आएंगे like courts, है ना? आप दोनों, हम दोनों parties कहाँ जाएंगे? Courts में जाएंगे, वहाँ पे अपने dispute को solve करेंगे. So private or civil law confirms civil rights or administrative state, the adjudicated by the civil court. हम किसके पास जाएंगे? Civil court के पास जाएंगे. अगर हमारा dispute solve नहीं हो रहा है, तो हम अपने dispute को solve करने के लिए civil court जाएंगे. So again, this private law will be divided into three parts. First one is personal law. It is a branch of law relates to the marriage, divorce, succession. This law relates to the based on the relation, rituals, customs of marriage. अब अगर हमारा कोई भी disputes है जो marriage से related है, divorce से related है, succession से related है, rights और duties से related है, property किसके पास जाएगी, inheritance father की property son के पास जाएगी, तो in that case we will go to the Hindu marriage law act will be there, personal law है उस पर पास जाएंगे. मुस्लिम मैरिज एक्ट विल बी देयर, इनहेरिटेंस एक्ट विल बी देयर, सेसेशन एक्ट विल बी देयर. तो हम इन सब मैटर्स के लिए, पर्सनल मैटर्स के लिए, इंडिविजुअल्स मैटर्स के लिए इंडिविजुअली एक्ट हैज़ बीन मेडेड इन द लॉ सिस्टम. तो वी विल गो टू फाइल अवर केसेस इन दैट लॉ. हम पब्लिक उसमें इफेक्ट नहीं हो रही, हम दोनों पार्टीज इफेक्ट हो रहे, तो हम उनके थ्रू अपने केस को, डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे. सेकेंडली प्रॉपर्टी लॉ, लाइक आपका मैटर है, मेरी प्रॉपर्टी आपने ले ली है, ठीक है, बेकार ख़राब ग्रस्त सिग्नेचर कर लिए फ्रॉड से, आपने सिग्नेचर कर लिए हैं, या आपने मेरी प्रॉपर्टी को कुछ भी ऐसा हड़प लिया है, तो वी विल गो इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. इसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बना है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना है. मेरी टेबल ले गए, मेरी चेयर ले गए, मेरी अलमारी ले गए, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए हम किस में जाएंगे? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से. तो ये प्राइवेट डिस्प्यूट्स एक्ट के लिए बनाए गए हैं, जिसके थ्रू आप केसेस को अपने सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्टली इट इज़ गिवन दैट लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन. लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन मीन्स होता है ड्यूटी, है ना, पर्सन की ड्यूटी क्या होगी. तो दिस फॉर दिस ऑल्सो, लाइक मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर रही हूँ कि मैं आपको 100 टन्स ऑफ ऑयल परसों सप्लाई करूँगी, बट दैट ऑयल विल नॉट बी सप्लाइड टू यू ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस. इस टाइप के केसेस, एग्रीमेंट, प्रोमिस, कॉन्ट्रैक्ट, दैट फॉर दैट ऑल्सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज देयर. आप इसके थ्रू जाओगे और अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कैन बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. और आपका जो भी नुकसान हुआ है मेरे कारण, उसके थ्रू आप केस लगाओगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. इसमें भी इंडिविजुअली पार्टी इन्वॉल्व है, ना कि पूरा स्टेट इन्वॉल्व है. In other words, a contract agreement which is specific terms between the two or more person is there, promise to do something, valuable profit is known as consideration. Like example, A offered mobile phone to B for ₹15,000, B agreed to purchase the same. This created a legal relationship between them, but B ne ₹15,000 nahi diya. So for that, you can go in the Indian Contract Act 1872. मैंने प्रॉमिस किया आपसे मैं आपका मोबाइल परचेज करूँ 14,000, लेकिन मैंने नहीं परचेज किया. फॉर दैट वी विल गो इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्लियर? तो प्राइवेट लॉ में ये सब लॉज डील करते हैं. ये पर्सनल लॉ है, ये आपके लॉ सिस्टम बनाए गए हैं, अलग अलग इंडिविजुअल एक्ट्स बना दिए गए हैं जिसके थ्रू अपने केसेस को एनफोर्स करा सकते हैं, है ना. लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन में आपके तीन चार ऑब्लिगेशंस दिए गए हैं. लाइक लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स, ये अपन 12th क्लास में डीपली पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही है. ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस आपका होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, कंसीडरेशन अमाउंट होना चाहिए,
पार्टीज की मीटिंग होनी चाहिए, टर्म्स और कंडीशन होनी चाहिए और उस कॉन्ट्रैक्ट का होना चाहिए, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये एलिमेंट्स होंगे यही तभी आप अपना केस कहाँ ले जाओगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, अदरवाइज नहीं जाएगा। मीन्स ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, थिंग होनी चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, पार्टी होनी चाहिए, तभी वो केस किस में जाएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट टॉपिक इट इज़ गिवन इन योर बुक, लॉ ऑफ टॉट, इट इज़ अ सिविल लॉ, ये भी एक चैप्टर है 12th क्लास में, डीपली अपन पढ़ेंगे, बट दिस इज ऑल्सो क्रिएटेड इन द इंडिविजुअल पार्टीज। दिस ब्रांच ऑफ लॉ क्रिएट्स प्रोवाइड्स रेमेडीज फॉर सिविल रॉन्ग्स, डज नॉट अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज। कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं था आप दोनों के बीच में, प्रॉमिस नहीं थी, लेकिन तब भी आपकी ड्यूटीज होती है कि सामने वालों को आप कुछ पैसा पे दो। क्यों? क्योंकि आपने निग्लिजेंस किया है, इंटेंशनली हार्म किया है सामने वाले को। कैसे हार्म किया है? लाइक एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक ए थ्रोज अ स्टोन एंड हिट्स अनदर पर्सन नेमली बी ऑन हिट्स हैट, सो बी हैज इंजर्ड। अब जो एक्सीडेंटल अमाउंट होगा, जो उसके एक्सीडेंट का अमाउंट होगा, आपने पत्थर फेंका और जाके बी को लग गया, वेदर इट इज इंटेंशनली और नॉट इंटेंशनली, ठीक है, आपने इंटेंशन से किया नहीं किया, तब भी उसमें क्या लग जाएगा, टॉट लॉ। टॉट क्या होता है? छोटे मोटे जो हार्म्स होते हैं, छोटे मोटे जो नुकसान होते हैं, लाइक मैं वहाँ से निकल रही थी और मेरे से धोखे से उसके टक्कर लग गई, जिसके कारण वो जाकर गड्ढे में गिर गया, और वो पर्सन ने टॉट लॉ के अंदर जाकर मेरे पे केस लगा दिया कि जितना भी एक्सीडेंटल चार्जेस बना है, हॉस्पिटल का खर्चा लगा है, वो सब मुझसे ही वसूलेगा। तो इन दैट केस दैट पर्सन विल गोज इन द टॉट लॉ, मीन सिविल रॉन्ग्स, ऑल टाइप ऑफ सिविल रॉन्ग्स, छोटे मोटे डैमेजेस जो होते हैं सामने पार्टीज को, लाइक ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज में गड्ढा है, तो गड्ढे से आप गिर गए, आपकी गाड़ी है, आप स्लिप हो गई है, तो आप उसके लिए रोड म्यूनसिपालिटीज पे लगा सकते हो टॉट लॉ। तो डैमेजेस जो स्मॉल टाइप के डैमेजेस है, दैट केम्स अंडर द लॉ ऑफ टॉट, दिस इज ऑल्सो प्राइवेट लॉ। मीन्स सो मेनी लॉज वी हैव सीन दैट प्राइवेट लॉज डील्स विद, मतलब छोटे छोटे से एक्ट बना दिए गवर्नमेंट ने, छोटे छोटे से एक्ट लॉज बना दिए पार्लियामेंट ने, जिसके थ्रू आप सेपरेटली भी जा सकते हो कोर्ट में अपने केस को सॉल्व कराने। बाय दिस योर चैप्टर गेट्स ओवर।